अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बलिदान के द्वारा उसका नैकट प्राप्त करने को प्रिय रखने वाले स्वभाव के साथ पैदा किया है। अल्लाह का कथन है, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَجَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ। उन्हीं इबादतों में से एक कुर्बानी करना है। यह इस्लाम का प्रतीक चिन्ह एवं मुअक्कद सुन्नत है। इसका समय ईद उल अजहा की नमाज के बाद से आरंभ होता है तथा अय्याम तशरीक के तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त होता है। और कुर्बानी केवल बहीमतुल अनाम अर्थात ऊंट गाय एवं बकरे की ही सही है। इसके अतिरिक्त न तो मुर्गी की, न खरगोश की एवं न ही हिरण इत्यादि की कुर्बानी करनी सही है। तथा सुन्नत यह है कि कुर्बानी का जानवर सुंदर तथा मोटा हो, क्योंकि अल्लाह ताला के इस कथन ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ कि यही व्याख्या की गई है। कुर्बानी के जानवर का शरीयत द्वारा निर्धारित आयु का होना आवश्यक है, अर्थात ऊंट 5 वर्ष का, गाय 2 वर्ष का, बकरा 1 वर्ष का एवं भेड़ 6 महीने का हो। निर्धारित आयु से कम उम्र के पशु की कुर्बानी जायज नहीं है, यद्यपि वह मोटा ही क्यों ना हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं जिसकी आंख में अस्पष्ट रूप से कोई दोष हो, या जिसका रोग अस्पष्ट हो, या जिसका लंगड़ा होना अस्पष्ट हो, एवं ऐसे पतले दुबले जानवर की जिसके शरीर में मांस न हो। जहां तक कान, सींग एवं पूंछ के दोष की बात है तो यह मकरूह अर्थात अप्रिय है, किंतु ऐसे जानवर को यदि कुर्बान कर दिया जाए तो काफी होगा। अतः अपने जानवर के अच्छे, सुंदर एवं हर प्रकार के दोषों से दोष रहित होने के प्रति सचेत रहें और ध्यान रखें कि स्वीकार्यता तकवा अर्थात अल्लाह के भय से जुड़ी हुई है।